हमारे शरीर में दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। जब राइट ओवरी में एग बनेगा तो राइट तरफ की फेलोपियन ट्यूब काम करती है, जब लेफ्ट ओवरी में एग बनेगा तो लेफ्ट तरफ की फेलोपियन ट्यूब्स काम करती है। एक समय में एक ही बारी में ज्यादातर एक ही ट्यूब काम करती है। दोनों ट्यूब्स का एक साथ में काम करना बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी नहीं होता है। एक ही ट्यूब से हमारा काम प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। अगर किसी वजह से फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो अंडा और शुक्राणु मिल ही नहीं पाएंगे, तो प्रेगनेंसी कहाँ से रहेगी। तो फेलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉकेज होती है उसकी बहुत सारी वजह रहती हैं। ज्यादातर केसेस में जो मोस्ट कॉमन कॉज है फेलोपियन ट्यूब के बंद होने का वो है इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो कि सही तरीके से ट्रीट नहीं किए गए हैं या बार बार होते हैं। आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। या अगर किसी वजह से टीबी हुआ है, आपको पेट में टीबी हुआ है, बच्चेदानी में टीबी हुआ है, या महावारी स्टार्ट होने के टाइम पे फेफड़े में या किसी और हिस्से में भी अगर टीबी हुआ है, तो संभावना कि वो टीबी का कीटाणु जो है बच्चेदानी पे असर करेगा, ट्यूब्स को ब्लॉक करेगा, बहुत ज्यादा हो जाती है।